बीते कुछ अरसे में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे एक नए वेरिएंट को देखा जा रहा है। इस वेरिएंट का नाम है आर्कोटोरस। ये वेरिएंट भारत में बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी चिंता का सबब बन रहा है। डॉक्टरों ने इनके लक्षणों के बारे में जानकारी दी है और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बता दें कि XBB.1.16 वेरिएंट को ही आर्कोटोरस नाम दिया गया है। इसके मामले भारत के साथ साथ अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। भारत में ऐसा हाल। भारत में फिलहाल कोरोना के मामले पीछे भी XBB.1.16 या आर्कोटोरस वेरिएंट ही है। कुछ हफ्ते पहले इस वेरिएंट के चलते ही एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए थे। द इंडिपेंडेंस ने लीड्स यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीफन ग्रिफिन के हवाले से कहा कि आर्कोटोरस अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। भारत में वो अन्य वेरिएंट को तेजी से पीछे छोड़ रहा है। बच्चों में ऐसे हैं लक्षण। कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित होने वालों में तेज बुखार के साथ आंखों में गुलाबीपन के लक्षण देखे जा रहे हैं। खास तौर पर बच्चों में ये सिम्टम्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। कोरोना से ग्रस्त बच्चों में 42.8% कंजक्टिवाइटिस के मामले देखने को मिल रहे हैं। अन्य लक्षणों में खांसी, नाक का बहना, बुखार, मतली, दस्त और उल्टी है। बड़े लोगों पर ऐसा असर। अगर बात करें वयस्कों की तो कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों में वही लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो पिछली बार थे। इसमें शरीर में दर्द, बुखार, मसल में असहनीय पीड़ा, पेट से जुड़ी समस्याएं और डायरिया शामिल है। आर्कोटोरस के चलते इस बार बुखार ज्यादा तेज आ रहा है। ये अन्य वेरिएंट की तुलना में बिल्कुल अलग मामला है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।